अपना नेट चेक कर लेना आपकी वॉइस हो रही थी तो थोड़ा सा अपनी तरफ इट्स okay, okay. so uh, ही ही चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिसमें अगर आप सीरियसली uh, आगे बढ़ते हैं हमारे साथ तो आपकी लाइफ 360 डिग्रीज में चेंज होती है और एक कहने वाली बात नहीं है Uh, ये एक्चुअली में मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ uh, मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मेरे साथ जैसे बबीता हैं और भी हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के जो इस एक्सपीरियंस को ले रहे हैं आप नई नई चीजें सीखते हो आप अपना करियर रिस्टार्ट कर पा रहे होते हो एंड विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ऑल आर लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस के हम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा यू नो हमारे फाइनेंशियल जो डोमेन्स होते हैं उनको अपग्रेड कर पा रहे होते हैं हम अपनी खुद की इनकम जनरेट कर पा रहे होते हैं जो कि आई थिंक कि हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ इनकम ये सारी वो चीजें हैं जो हम सभी लोग ड्रीम करते हैं राइट तो ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली में ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करी होती है एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है एक अच्छी एजुकेशन मिलने वाली है एक सपोर्ट मिलने वाला है एंड क्यों ही मैं अब इतनी सारी यहाँ बात करती हूँ लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल वेबिनार लेट मी शेयर माई स्क्रीन सो दैट मैं प्रेजेंटेशन आप आ, को ले, चल, ले चलू आपको प्रेजेंटेशन की तरफ और मैं बताऊ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बबीता एक बार मुझे हेल्प आउट कर दीजिएगा क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है श्योर डियर योर वॉइस इज ऑडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल थैंक यू सो मच बबिता थैंक यू सो मच सो मैं अगेन आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ और अगर कोई रह गया है तो फटाफट से उसे क्विकली रिमाइंड करा के ज्वाइन करा लीजिए ये वेबिनार बहुत एक्सक्लूसिवली आपके लिए डिजाइन किया गया है ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से समझे जाने और सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्यों क्यों आपको इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है और क्यों आपको हमें ज्वाइन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए तो मैं सभी को अगेन वेलकम करूंगी और अब ये सेशन क्योंकि बहुत ही इंट्रेक्टिव मैं रखने वाली हूँ तो आप बिल्कुल भी स्लीपिंग मोड में नहीं जा सकोगे तो मेक श्योर sure कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे और फटाफट से मेरे सवाल का जवाब दीजिए चैट बॉक्स ओपन है आप सभी लोगों के लिए कि आप किस लोकेशन से हमें ज्वाइन किए हुए हैं यानी किस जगह आप इस वक्त बैठे हैं इंडिया के किस कोने में हैं आप हमें सुन रहे हैं बबीता प्लीज चेक चा, एंड सीधा आंसर्स मुझे पढ़ के सुनाइए प्लीज यस मणिपुर दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान गुजरात मुंबई वाराणसी अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हैं हैदराबाद वंडरफुल वंडरफुल तो आई कैन ऑल से दैट के इस वक्त हम पूरे इंडिया को समेट के एक जगह एक जूम वेबिनार में रख के बैठे हैं क्योंकि इंडिया के अलग अलग लोकेशन से हमारे कैंडिडेट है तो डेफिनेटली यही तो पावर है डिजिटल प्लेटफॉर्म की अब फटाफट फट से अपने बारे में आप लोग बताइए आप किस रोल को अपनी लाइफ में प्ले कर रहे हैं आप एक हाउस वाइफ है कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस आप चला रहे हैं स्टूडेंट हैं जॉब में हैं या रिटायर्ड हैं मतलब आप वट एवर यू आर डूइंग जस्ट टेल मी अगर आप किसी जॉब में हैं तो किस टाइप का जॉब कर रहे हैं आप थोड़ा सा अपने बारे में जरूर मुझे बताइएगा चैट में अगर बिजनेस है तो आपका किस टाइप का बिजनेस है कोई बेकरी है सलून है या बुटीक है वट तो थोड़ा सा प्लीज अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए अगर आप किसी प्रोफेशन में और अगर आप हाउस वाइफ है तो एच डब्ल्यू लिख दीजिए या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दीजिए सो so दैट एक मुझे आइडिया हो आपके बारे में मैं समझ सकूँ की मेरे पास किस तरह की ऑडियंस आई हुई है हाँ रिप्लाई आ रहे हैं बुटीक ऑनर बिजनेस लॉजिस्टिक्स हाउसवाइफ स्टूडेंट हाउसवाइफ कैंडल मेकर हाउसवाइफ विद ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट स्टूडेंट्स ये आंसर आ रहे हैं हाउसवाइफ ज्यादा है वंडरफुल वंडरफुल आप ये सोच रहे कि मैं ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हूँ मैं शायद आपको सोचने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको दो दो चीजों का जवाब मिला होगा मेरे इन क्वेश्चन से एक तो डिज, डिज, डिजिटल पावर इतनी पावर है कि आप इंडिया की किसी भी लोकेशन में बैठे हो और एक जूम स्पेस को यानी एक डिजिटल स्पेस को हम सब शेयर कर रहे हैं और पूरा इंडिया समा गया एक वेबिनार में राइट तो ये पावर है डिजिटल प्लेटफॉर्म की और इसी डिजिटल पावर को हम राइटली अगर यूज करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा करियर अपना सेटअप कर सकते हैं और इसी पावर को हम सही तरीके से सीख के और सिखा करके बहुत अच्छी एक बड़ी इनकम ले पा रहे हैं और वही चीज के लिए आज मैं आपको यहाँ यू नो एड्रेस कर रही हूँ और दूसरा एक ये था कि कौन कर सकता है तो ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं आप इमेजिन कर सकते हो नो मैटर हु यू आर नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर क्या आपकी एज है क्या आपका प्रोफेशन है आपके पास डिग्री है या नहीं है मैटर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है मैटर इवन आप अगर रिटायर्ड हो तो एज ऑल्सो मैटर एटीन प्लस हो दैट ऑल वी नीड के एटीन प्लस कर सकते हैं अगर आपकी एज एटीन भी नहीं हुई है तो इट्स ओके नो प्रॉब्लम आप अपने पेरेंट के नाम से भी यहाँ ज्वाइन करके अपना करियर या सॉरी स्टार्ट कर सकते हो तो में हो, किसी भी एज में हो किसी जेंडर में हो किसी कास्ट में हो किसी लोकेशन पे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए स्पेशली डिजाइन की गई है फर्दर मैं प्रोसीड करूंगी हमारे इंटरक्टिव सेशन को आगे बढ़ाती रहूंगी एंड अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपने इससे पहले किसी भी इस तरह अपॉर्चुनिटी को अटेंड किया है अपॉर्चुनिटी वेबिनार को या ये आपका फर्स्ट टाइम है अगर फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट लिख दीजिए अगर आप इससे पहले कर चुके हैं तो सेकेंड टाइम टाइम वन टाइम आप प्लीज लिख करके दीजिए सो so देट मैं अंडरस्टैंड कर सकू कि इससे पहले आपने किस तरह के अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया है तो फटाफट से first मेरे फर्स्ट 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 टाइम 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 सेकंड ओके सभी वाले है आपका That's very good. Welcome. And I hope first के बाद ही हो आपको ज़रूरत ही ना पड़े कहीं भी और जाने की And कितने से आप ऐसी opportunity, uh, you know, search कर रहे हैं आपको जब ये एक माइंड uh, में आपके आया कि हाँ मुझे अब अपने लिए कुछ करना चाहिए होता है ना एक माइंड में सबसे पहले देखिए कोई भी चीज जब भी हम कोई एक्शन मोड में आते हैं ना तो पहले हमारे माइंड में एक थॉट आता है और वही थॉट सोचने के बाद ही हम एक्शन में आते हैं और तभी हम उस चीज को कर रहे होते हैं तो कब से आपने सोचना शुरू किया कि मुझे अब एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है क्योंकि बहुत सारी यहाँ हाउस वाइफ भी हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में मुझे आगे बढ़ना चाहिए तो हाउ लॉन्ग इट हैज बीन देयर फॉर यू टू यू नो सर्चिंग सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एक महीना दो महीना साल दो साल वट तो एक ये ड्यूरेशन लिख के मुझे प्लीज बताइए की तो कितने समय से आप ढूंढ रहे हैं हम्म hmm. सिक्स मंथ बहुत टाइम से एक साल से थ्री <laughs> मतलब काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मतलब एक साल इज लाइक एक साल में तो हम लोग वन लाख की इनकम को क्रॉस कर चुके होते हैं मतलब वन लाख पर मंथ की इनकम पे आ चुके होते हैं तो यानी आप इतने बड़े लॉस पे हो के एक बहुत बड़ी इनकम आप मिस कर रहे हो जिस जो कि हम आपको आज ऑफर करने वाले हैं तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है मेरा एज यू नो बिजनेस कोच कि इतना समय अगर हो गया तो क्यों मतलब ऐसी क्या बात हुई कि आपको इतना समय लग गया एक राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा मे बी मेरे पास दो तीन रीजन हैं जो हो सकता है आप कही न, कहीं ना कहीं अपने आप को फिट कर सके मे बी एक ये रीजन के कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आई लेकिन आपने उसको ठीक से समझा जाना ही नहीं आपने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी आप डाउट में आए आपके बहुत सारे यू नो एक डर होता है कि स्कैम तो नहीं है ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है तो हम उसे बिना क्रॉस चेक किए ही हमने जजमेंट पास कर दिया कि नहीं यार पढ़ना ही नहीं है इस चक्कर में तो उस वजह से काफी बार ऐसा होता है कि हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं और दूसरा ये कि अगर हमें कुछ मिला तो वाकई में उल्टा सीधा ऐसा मिला कि हमें एक एक्सपीरियंस बुरा रहा तो उस डर की वजह से हमने फिर एक्सप्लोर करना ही छोड़ दिया यानी हमने एक गलत एक्सपीरियंस की वजह से सबको एक ही लकड़ी पे हाँक दिया या एक सभी को एक ही कैटेगरी में कर दिया कि एक अगर गलत है तो सभी लोग गलत हैं तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है अगर एक डॉक्टर की दवा नहीं लगती है तो सारे डॉक्टर गलत नहीं हो जाते हैं हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं हम तब तक डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं जब तक कि हमारी बीमारी का सही इलाज ना मिल जाए जब तक कि हम ठीक ना हो जाए तो ये भी एक तरह की बीमारी है कि हम जॉबलेस हैं इन, जीरो इनकम पे बैठे हैं अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट हम उन अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से क्रॉस चेक करके एक एक्शन नहीं ले रहे हैं अपनी में. तो ये, say, audience, के अगर एक साल हो गया है तीन चार छह महीने हो गए तो दिस इज दाई टाइम टू टेक एक्शन तो आज आप एक एक्शन लेके ही आगे बढ़िएगा लाइफ में एंड आई कमिट यू कि आपका कभी भी रिग्रेटफुल आप नहीं रहेंगे इस चीज को लेकर के एक बहुत ही अमेजिंग मैं बात आपको बताना चाहूंगी ये सवाल नहीं है ये ये एक्चुअली एक 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 मेरा एक आपको यू नो एक दिमाग की बत्ती जलाने वाली बात है कि जब भी हम किसी नए करियर ऑप्शन में जाते हैं हमारे लिए बहुत ही एक नया प्लेटफॉर्म होता है तो हम हमेशा एक हिच में रहते हैं एक हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है क्योंकि हमारे लिए वो सब कुछ नया है तो कोई नई चीज करने के लिए हमें जरूर सपोर्ट चाहिए होती है कुछ ऐसे लोगों की जो उस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं सक्सेसफुल हो चुके हैं जो कि आई वुड से बिल्कुल मतलब जबरदस्त उनको एक्सपीरियंस है तो अगर आपको इस तरह की सपोर्ट इस तरह के मेंटोर से मिले इस तरह के आपको सपोर्ट सिस्टम मिले एज अ कम्युनिटी के यहाँ आपको हर कदम पे आपको हेल्प मिल रही हो गाइड किया जा रहा हो डे टू डे लाइफ में यानी डे टू डे आपकी जो ट्रेनिंग है बिजनेस को समझने में आगे बढ़ने के लिए अगर ये बोला जाए कि वी आर कमिटेड एंड वी आर कनेक्टेड विद यू ना जिंदगी भर का हम आपके साथ नाता जोड़ते हैं जब तक कि आप अपने अपने ड्रीम्स को अचीव ना कर लो जब तक आप अपने गोल्स को अचीव ना कर लो तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे आपको इस हद तक की आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको कैसा लगेगा मतलब क्या आप ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं कि इस तरह का मुझे कुछ मिले सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा करियर ऑप्शन मिले जहां मुझे प्रॉपर सपोर्ट के साथ आगे बढ़ाया जा रहा हो तो अगर आप इस चीज uh, के साथ एग्री करते हैं तो यस लिखिए अदरवाइज आप नो no भी लिख सकते हैं यू यू कैन सी द चैट बॉक्स प्लीज क्या आंसर आ रहे हैं हेलो यू यस यस हैं सभी के ऑब्वियस ये बट ऑब्वियस है कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था अपना करियर आई वॉज वेरी मच न्यू इन टू दिस और मुझे यही डर था कि मैं कैसे करूंगी लेकिन वो कैसे का मुझे टेंशन रहा नहीं क्योंकि इतने अच्छे मेंटो और इतना अच्छा गाइड एंड सपोर्ट जब मिलता है तो कैसे वाली प्रॉब्लम उनकी होती है करना मुझे है या नहीं ये मेरा डिसीजन होता है उसके बाद की पूरी कहानी हमारे मेंटो और हमारे अप्लायस हमें दे रहे होते हैं तो ये सपोर्ट आपको डेफिनेटली यहाँ मिलने वाला है अब मैं थोड़ा सा आपका अटेंशन यहाँ पे एक अलग डायरेक्शन में लेके जाऊंगी कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज जो शायद आप लोग किसी हद तक अपने आप को फिट कर पा रहे होंगे इन प्रॉब्लम्स को देख करके कि अगर आप लोग अच्छा पढ़ा लिखे हैं ऑब्वियसली सब कोई ना कोई डिग्री लेके बैठे हैं बहुत सारे यहाँ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स भी हैं आज इस वेबिनार में लेकिन क्यों आज हम जीरो इनकम पे हैं या हम क्यों अपना करियर को कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं एक लेडी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं बच्चे हो गए घर गर गृहस्थी हो गई तो डिग्रीज तो बिल्कुल ही मतलब कहाँ रख जाती हैं भूल ही जाती हैं वो और एक अलग ही यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाती हैं तो उनके लिए बहुत मैनेज करना अपने करियर को और घर को मुश्किल हो जाता है तो ऑब्वियसली कोई भी लेडी अपने करियर को गिव अप करती है बच्चों की खातिर राइट right? अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं कि जॉब कहीं लगी दूसरी ऐसी लोकेशन पे लगी जहाँ फैमिली ही नहीं अलाउ कर रही है कि नहीं हम आपको वहां नहीं जाने देंगे जो भी करना है इसी शहर में रहके करो तो एक ये भी एक चैलेंज आ जाता है कि ज्योग्राफिकल इशू आ जाते हैं अब जैसे एज अ लेडी अगर मेरी जॉब कहीं दूसरे शहर में मिली थी मुझे बट मैं जा नहीं पाई इसीलिए क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे ये कहा कि फिर यहाँ रह के बच्चे कौन देखेगा आपके अगर आप वहां चले गए तो मैं छोटे से शहर की रहने वाली हूँ तो ये इशूज आई थिंक सभी को आ रहे होते हैं अलावा इसके बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल यू नो गंदी पॉलिटिक्स चल रही होती है बहुत इश्यूज होते हैं अपने अपने लोगों को करप्शन होता है यू नो जो ज्यादा नजरों में है या जो ज्यादा आंखों का प्यारा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है आप चाहे कितने एलिजिबल हो कितने यू नो डेडिकेटेड हो वर्किंग हो बट आपको साइड कर दिया गया दूध की मक्खी की तरह एक तरफ कर दिया गया ये चैलेंजेस भी आते हैं जॉब प्रोफाइल्स में और आ, मैं इन सब चीजों को हर तरह से यू नो फेस कर चुकी हूं बट क्या आज की तारीख में ये सब इतनी इश्यूज होने के साथ क्या हम अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दें क्या हमारे जो फाइनेंशियल डोमेंस हैं उनको हम यू नो अपग्रेड नहीं करें क्या हम कुछ और ऑप्शन ऐसे ना ढूंढे अफकोर्स वी शुड डेफिनेटली टेक एन एक्शन इन आर लाइफ और मैं उसी इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी एक टाइम पे अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी मैं उसका के हूँ ग्वालियर मध्य प्रदेश एक छोटे से शहर ग्वालियर को बिलोंग करती हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एज पर माई डिग्री हालांकि मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी रह चुकी हूँ मैं एज अ प्रोफेसर कॉलेजेस में टीचिंग भी की हुई है मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ाए हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह यू नो ये सब मेरा क्या हुआ है बहुत मेहनती रही हूँ लेकिन जब शादी हुई तो बच्चों के बाद स्पेशली सेकेंड चाइल्ड के बाद कि मैं मैं को even teaching को भी मैं कर सकूं, क्योंकि वहां भी भी कर क्योंकि होते हैं वहां भी time देना पड़ता है सुबह से शाम तक का time, teaching में भी अन्याओ देना ही पड़ रहा होता है बच्चे का क्या करेंगे किसके हवाले छोड़ेंगे पैसे से ज्यादा जरूरी है नहीं पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी फैमिली हो जाती है और एज अ लेडी आई थिंक यहाँ पे इतनी सारे लोग हैं काफी हाउस हैं वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि उस वक्त हमें लगता है कि यार ऐसा पैसा किस काम का कि जब बच्चे हमारे रोल रहे हो पीछे से तो ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई थी आई कम्प्लीटली गिव अप माई करियर पांच छह साल आठ साल यूं ही निकल गए पता नहीं चला लेकिन अब एक जबरदस्त वाला फ्रस्ट्रेशन आता आया क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी थी हम दूसरे पे डिपेंड हो चुके थे सौ रुपए भी अगर हमें अपने ऊपर भी खर्च करने तो हमें किसी से मांगने पड़ रहे होते थे बहुत बुरा लगता है ऐसे जब आ, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए किसी की मिन्नतें करनी पड़े तो ये सिचुएशन मेरी भी थी अपनी खुद की पहचान बिल्कुल जीरो हो चुकी थी इसकी माँ उसकी वाइफ उसकी बेटी के अलावा कुछ और पहचान नहीं थी तो ये सारी चीजें मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी एंड आई एम वेरी मच श्योर समाओ आप भी इस चीज को फेस कर रहे हो राइट तो क्या करें तो मुझे क्योंकि मैं इस लाइन में हूं तो मुझे कितना समझ में था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को यू नो न्यू स्किल्स सीख लू आ, कुछ न्यू लर्निंग्स कर लू तो मैं अपना करियर ही स्टार्ट कर सकती हूँ घर रह के एंड आई स्टार्टेड टू हंट आई स्टार्टेड टू सर्च यू नो सच ऑप्शन बट वही है कि कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया था और बहुत जल्दी मुझे आई वुड से आई एम वेरी लकी इनफ कि मैं बहुत सही लोगों के बीच में आई इसी तरह से मैंने वेबिनार अटेंड किया एंड आज मैं ये वेबिनार दे रही हूं तो ये मेरी वेबिनार अटेंड करने से और वेबिनार देने तक के बीच की जर्नी है वही मैं आज आपको इस वेबिनार के थ्रू शेयर करूंगी एंड मे बी बहुत जल्दी आप भी इसी तरह का कोई वेबिनार दे रहे हो अपना करियर एक ऑन्टरप्रेनर के तौर पे सेट कर चुके हो सो यू नो अगले जो 20 मिनट है आपके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दिस इज गोइंग टू बी माई रिक्वेस्ट कि आप बिल्कुल डिस्ट्रेक्शन फ्री एनवायरमेंट में प्लीज बैठिए अगर आपने हेडफोन नहीं लगाए तो इमिजिएटली हेडफोन्स लगा लीजिए बिकॉज़ मैं चाहती कि आप एक और एक मेरा ध्यान से सुने। टीवी चल रहा है, वही है सुनते हैं, तो समझ नहीं पाते अपॉर्चुनिटी को हम साइड कर देते हैं एंड आई डोंट वांट दैट कि आप कुछ भी अपनी जिंदगी में कितना अच्छा यू you नो know, कुछ मिस करें uh, एक, एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ मैं ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ तो मैं बात हमेशा सभी को बोलती हूँ इंसान की सोच है जो माइंडसेट है ना वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपको बना भी देता है और आपको बर्बाद भी कर देता है ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है बस यही आपके बोलने भर से आपके माइंडसेट का पूरा लेखा जोखा आ जाता है कि आप किस तरह की सोच के बनते हो प्रोग्रेसिव हो या निगेटिव थॉट के हो आई थॉट आई थिंक आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ लेकिन मैं आप सभी लोगों को इस वक्त सीरियसली बाय हार्ट चुलेट करूंगी कि आप सभी लोग यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब एक पॉजिटिव माइंड सेट के लोग हैं जिन्हें ग्लास हमेशा आधा भरा हुआ दिखता है उसका रीजन कि आज आप आप लोगों ने एक एक्शन लिया आप इस वेबिनार तक आए तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू कि आप ने एटलीस्ट एक सोच माइंड में डाली कि मैंने अब कुछ करना है लाइफ में बहुत हुआ एंड यू स्टार्टेड टू सर्च अपॉर्चुनिटीज आपने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते आप हमारे किसी ऐसे यू नो टीम मेट से टकराए मिले जिन्होंने आज आपको ये वेबिनार लाके यू नो ज्वाइन कराया तो ये जो एक जर्नी थी आपकी वो सोच के साथ और इस वेबिनार को अटेंड करने तक की ये इसमें आपके दिमाग की आपके माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम है तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट फॉर यू कि बहुत सारे लोग तो जिंदगी भर सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं एक्शन ही नहीं ले रहे होते तो आप एक एक्शन टेकर हो और आखिरी तक बने रहिएगा इस वेबिनार में क्योंकि आखिरी तक बने रहेंगे तब ज्यादा आप प्रूव कर पाएंगे कि आप वाकई में एक पॉजिटिव माइंड सेट के बनते हो आगे बढ़ने से पहले मैं अगेन क्वेश्चन पूछूंगी जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए क्या ही होगा कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की आपको कोई नॉलेज ही ना हो यानी आप अगर आपकी लाइफ में डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया आपका मोबाइल लैपटॉप गैजेट्स ना हो तो आपकी लाइफ क्या होगी क्या आप अपने जो भी आपका बिजनेस अगर बहुत सारे यहां बिजनेस ओनर्स भी मैं देख रही हूँ क्या आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस को ज्यादा आगे तक की ग्रोथ दे पाओगे क्या आपको लगता है कि आप करियर आ, के कुछ अच्छे ऑप्शन निकाल पाओगे क्या आपको लगता है कि अगर आप जिस भी अभी करंटली जिस करियर में है अगर आप अपने आप को डिजिटली अपग्रेड नहीं करते हैं तो आप उसमें आगे प्रोग्रेस कर पाओगे अपने आप ले पाएंगे या फिर आप अपनी लाइफ को इजी कर पाएंगे जैसे कि आज की तारीख में डिजिटली है कि हम घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लेते हैं घर बैठे बैठे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो जाता है बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं शादियां हो रही हैं कितने दुनिया भर के बैठे बैठे घर पे काम हो रहे हैं बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन इधर से उधर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है पास ऑन हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल नॉलेज होना कितना जरूरी है आप क्या इस बात से एग्री करते हैं जो मैं आज अभी आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ अग्री के लिए ए लिख दीजिए डिसएग्री के लिए डी लिख सकते हैं आप लोग बबीता प्लीज चेक कीजिए क्या हमारे ऑडियंस बोल रही है क्या मेरे साथ वो हैं जो मैं बोल रही हूँ क्या वो मेरी बात से एग्री करते हैं मोस्टली ना सभी का ए आ रहा है ए फॉर एग्री एग्री एग्रीड ए ए ए सबका ए आंसर है डेफिनेटली कोविड में हम सभी लोगों ने एक बहुत स्ट्रांग लेसन ले लिया है कि भाई अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं है आपका बिजनेस अगर डिजिटल पे नहीं आया है तो आप बहुत जल्दी लुप्त हो जाओगे जैसे काफी सारे एनिमल्स की और इंसेक्ट्स की स्पीसीज जो है लुप्त होती जा रही है ना ऐसे ही हमारा बिजनेस हमारा हमारा खुद का एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड लुप्त हो जाएगा हम बस एक एक एरिया तक सीमित रह जाएंगे बट नहीं हमें डिजिटली आगे बढ़ना है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है अब डिजिटल पावर को समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी रिया के बारे में मैं आपसे बात करना करने वाली हूँ रिया एक ड्रेस डिजाइनर है जो कि यू नो अपने घर में एक छोटा सा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है आसपास के जितने भी उनके लोग हैं जो उन्हें जानते हैं परिचित लोग जो हैं वो उनके पास आते हैं अपने कस्टमाइज्ड ड्रेसेस बनवाते हैं बड़ी तारीफें करते हैं और फिर आ जाते हैं या उनके थ्रू अगर कोई उनसे कनेक्टेड है वर्ड टू वर्ड वाली जो पब्लिसिटी होती है माउथ टू माउथ वाली वो करके इस तरह से उनको एक से दो तीन और एक्स्ट्रा लोग मिल जाते हैं तो दिस इज वॉट ऑल अबाउट रिया बट रिया एक्चुअली इज अ वेरी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर बहुत अच्छी नॉलेज है हार्डवर्किंग है और नीडी भी है उसको अपना बिजनेस जरूर बढ़ाना है क्योंकि उसको फाइनेंशियली अपने आप को और ग्रोथ लेनी है और वो एक बड़ा ब्रांड बनना चाहती है बट एक लिमिटेशन यही है कि वो एक कोने में सीमित है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े अखबारों में टीवी चैनल्स के ऊपर अपनी पब्लिसिटी करे या फिर यू नो पैम्फलेट्स बटवाए क्योंकि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है और उसमें मैन पावर्स भी बहुत सारी चाहिए होती है तो रिया इज नॉट यू नो कैपेबल टू गो विद दैट और वो सब चीजें जो हो गई है ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुकी है वो सारा ट्रेंड जो था पब्लिसिटी का वो आउटडेटेड हो चुका है अब रिया क्या करेगी रिया को हमारी कम्युनिटी के बारे में पता चला इन्फिनिटी कम्युनिटी के बारे में उसे पता चला कि एक इन्फिनिटी कम्युनिटी है जो कि पिछले ढाई साल से पांच हजार से ज्यादा फीमेल्स को एम्पावर कर चुकी है और ये वो फीमेल्स हैं जो अपना करियर रीस्टार्ट कर चुकी हैं अपना ऑलरेडी जो उनका छोटा मोटा रिया की तरह बिजनेस था उसको वो यू नो टेन ग्रोथ दे चुकी हैं डिजिटल स्किल्स को सीख करके और रिया को ये पता चला अपने फ्रेंड के थ्रू कि यहाँ पे एक जबरदस्त ट्रेनिंग का सिस्टम है उन ट्रेनिंग्स को लेकर के यानी वो अपने फ्लेक्सिबल वर्किंग अवर्स जो भी उसके फ्री टाइम होते हैं उसमें उन ट्रेनिंग्स को लेकर के वो डिजिटल पावर को समझ सकती है और उसको अप्लाई कर सकती है उस नॉलेज को और अपने बिजनेस को 10x ग्रोथ दे सकती है और मजे की बात ये हुई कि रिया को यह भी पता चला कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मैं आ, वर्क करती हूं तो मैं यहाँ से भी एक अच्छी इनकम ले सकती हूँ यानी अपना ड्रेस डिजाइनिंग का बिजनेस भी ग्रो कर सकती हूँ और जब ऑफ सीजन होता है जब के कोई ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे होते हैं श्राद वगैरह इस टाइप के भी कुछ ऐसे दिन आते हैं हमारे इंडियन आ, कल्चर में कि जब ज्यादा यू नो नई चीजें नहीं, नहीं खरीदते हैं या कोई ओकेजन नहीं होते हैं तो उस वक्त ऐसे बिजनेस जो है सीजनल वे में बंद हो जाते हैं यानी ज्यादा कुछ आ नहीं रहा होता उनके पास तो फिर वो उसकी इनकम जो है नीचे जा रही होती है तो उसको ये समझ में आया कि और उस टाइम पे मैं यहाँ से एक रेगुलर इनकम ले सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म से रिया गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंफिनिटी कम्युनिटी और उसने हमें किया उसने हमें करने के बाद ये प्रॉपर फनल सिस्टम को समझा किस तरीके से किए जाते हैं किस तरीके से डिजिटल अपना एग्जिस्टेंस क्रिएट किया जाता है अपना प्रोफाइल बनाया जाता है किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि रिया भी कोई है और उसका भी कोई बिजनेस है और किस तरह से राइट right क्लाइंट्स तक पहुंचा जाता है यानी रिया का जो एक प्रॉपर एक क्लाइंट का परफॉर्मा है वो उसको समझ में आया और उन तक उसने इजीली अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई और ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स जो है अट्रैक्ट हो करके उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक मार्केटिंग तो मैग्नेट बन चुकी थी इंद्रिया और अट्रैक्ट होकर के क्लाइंट उसके फनल सिस्टम के थ्रू उसको मिलते जा रहे थे और उसका बिजनेस ग्रो होता जा रहा था आज की तारीख में रिया नेशनल नहीं इंटरनेशनल उसके पास बहुत जबरदस्त क्लाइंट्स हैं इवन उसको कारीगरों को रखना पड़ा अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ा छोटा सा स्पेस बहुत छोटा था उसको अब एक और स्पेस लेना पड़ा यानी कि उसका बिजनेस अब चल पड़ा दिस इज द पावर ऑफ यू नो डिजिटल प्लेटफॉर्म उसको एक राइट right नॉलेज मिली राइट right नॉलेज मिली राइट right प्लेटफॉर्म मिला एक ऐसी कम्युनिटी मिली जो उसकी प्रोग्रेस उसकी ग्रोथ के लिए थी और उसके पास आज पैसों की कमी नहीं है उसके पास एक नहीं एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है क्योंकि हम यहाँ पे एक सोर्स ऑफ इनकम भी साथ में दे रहे हैं एक एक रियल एजुकेशन सिस्टम के साथ दिस इज द पावर ऑफ दिस uh, प्लेटफॉर्म के यहाँ पे आप जो भी कुछ सीखते हैं आप उसको सीख करके अप्लाई करते करते ही आप अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर पा रहे होते हैं जस्ट इमेजिन नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट आर इन्फिनिटी कम्युनिटी जिसके बारे में मैं ऑलरेडी इस स्टोरी के साथ आपको बता चुकी हूँ हमारी इन्फिनिटी कम्युनिटी एनवी शॉपी नाम के एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी के साथ कोलेबरेटेड है ये कंपनी अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करने वाली हूं। यहां पे आप जब हमें ज्वाइन करते हैं तो आप इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर बनते हैं और यहाँ डेफिनेटली आप अपनी ही नहीं अपने जैसे कई सारे लोगों की लाइफ चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ आप एक एम्प्लॉय के तौर पे ज्वाइन नहीं करने वाले आप किसी की नौकरी नहीं करने वाले आप किसी के नौकर नहीं बनने वाले कोई आपके सर पे बॉस नहीं होने वाला है आप अपने खुद के बॉस होने वाले हैं यू आर गोइंग टू बी एन ऑन्टरप्रेनर आपकी ऑनटरप्रेनर की जर्नी में हम हमारा आपका पूरा पूरा साथ देते हैं जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो यहाँ पे आपको डेफिनेटली uh, एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाता है ऑन्टरप्रेनर कौन होता है जो कि खुद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर होता है यानी आप खुद एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर बनने वाले हैं आप एक ऐसा चैनल बनने वाले हैं जो अपनी ही नहीं अपने जैसे कई सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे मैंने अभी अभी, अभी आपसे एक बात बोली कि एनवी शॉपी जो हमारी कंपनी है ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन और द क्रेडेंशियल्स एंड द एफिलियंस ऑफ आर कंपनी ये सारे सर्टिफिकेट्स अपने आप में ये आपको प्रूफ दे रहे हैं कि वी आर अ लीगल ए जेन्यून कंपनी बेशक ये ब्लर्ड दिख रहे होंगे बिकॉज पीडीएफ में है यहाँ पे पीपीटी में है सॉरी आप इनका आ, जो पीडीएफ है वो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है इस सेशन में आप उनसे पर्सनली पीडीएफ लेकर के और ज्यादा अच्छे से इनको स्टडी आउट कर सकते हैं अदरवाइज आप कंपनी की साइट पे जाकर के भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो चेक कर सकते हैं एक जो सबसे बड़ा डर होता है फ्रॉड तो नहीं है लीगल है कि नहीं है वो आपका डर अभी इस वेबिनार में निकल जाएगा क्योंकि ये एक एविडेंस दिया एक प्रूफ दिया ऐसे में अभी आपको बहुत सारे और भी प्रूफ देने वाली हूँ मैं और हमारे साथ इतने सारे लोग जो जुड़े हैं ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि वी आर डूइंग इट सो मच आई वुड से कि जेन्यूनली और अमेजिंग uh, वे uh, में हम आपको हेल्प करने वाले हैं जब हम बात करते हैं एक ब्रांड की तो डेफिनेटली ब्रांड ऐसे ही नहीं बनता वो अपने अचीवमेंट से बनता है तो ऑल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कंपनी जिस डेट से ओपन हुई है यानी 2020 अप्रैल में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई स्टैब्लिश हुई 2021 से यानी जस्ट नेक्स्ट ईयर से झंडे गाड़ने शुरू कर दिए वी स्टार्टेड टू गेटिंग ऑल द अचीवमेंट पहला अचीवमेंट हमारा एज यू कैन सी फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोसरी रिटेल स्टोर्स का अवार्ड हमें मिला 2021 में स्पॉटलाइट अवार्ड मिला 2022 में 2023 में हमें ग्लोबल बिजनेस अचीवर का अवार्ड मिला एंड इस साल हमें मिला है टू में एशियन आइकॉनिक अवार्ड जो कि आप देख सकते हैं नन देन एक बहुत बड़ी इंडियन फेमस पर्सनालिटी सेलिब्रिटी हैं सोनू सूद आप सभी लोग इन्हें जानते होंगे उनके हाथ से हमारे एम रिस्पेक्टफुल एम जो है ये अवार्ड ले रहे हैं एक साइड राइट साइड आप देख पा रहे होंगे मिस्टर एम आई अहमद सर जो एम डी है हमारी कंपनी के और लेफ्ट साइड में मीनाक्षी यादव मैम जो दूसरी हमारी एम डी है इस कंपनी के ये दोनों ही इस अवार्ड को लेते हुए सोनू सूद एंड विद्युत धारा सिंह के हाथों से तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आई ओपनिंग बात है कि कंपनी ने जिस डेट से ओपनिंग की वो उससे लेके आज तक हर एक साल एक अवार्ड हम अचीव कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए एक प्रूफ है कि हाउ अमेजिंगली वी आर डूइंग हाउ आई वुड से कि जंगल की आग की तरह हम लोग पूरे इंडिया में यू नो आगे बढ़ रहे हैं और यह हमारा अगले दस साल का पूरा रोड मैप है कोई भी अच्छी बड़ी कंपनी होती है अच्छी सोच रखने वाले लोग होते हैं जिनको बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है तो वो हमेशा ऑन द पेपर अपना रोड मैप तैयार करते हैं तो 2020 में जब कंपनी स्टेब्लिश हुई थी तभी हमारा पूरा रोड मैप तैयार किया गया था कि 2021 तक हम किस लेवल पे जाने वाले हैं 22, 23, सो ऑन अप टू ट्वेंट टू तक हम किस लेवल पे जाने वाले हैं एंड बिलीव मी कि हम अपने टारगेटेड टाइम डेडलाइन से पहले ही हमने इन टारगेट्स को अचीव किया है 2020 तक हम 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग होने वाले हैं यानी मेंबर्स हमारे बनने वाले हैं जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं आज की तारीख में एंड डेढ़ लाख से ज्यादा फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर इंडिया हमारी खुलने वाली है ये याद रखिएगा इंडिया में जितने भी पिन कोड्स हैं वो डेढ़ लाख ही हैं तो दैट मीन्स के हर एक पिन कोड पे आपको हमारी कंपनी का आउटलेट आपको मिलने वाले हैं नथिंग टू गेट यू नो कन्फ्यूज विद के यहाँ टाटा ग्रुप क्यों आ गया मैं जस्ट आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ इसलिए मैंने ये बताया क्योंकि हम सभी लोग आई एम वेरी मश्योर अवेयर हैं इस ग्रुप से टाटा ग्रुप से मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ मैं क्विकली बताती हूँ देखिए जब भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस होता है ना तो वो बिजनेस कभी भी एक सेगमेंट पे डिपेंड होके नहीं चलता उसका रीजन के अगर बाय चांस खुदा ना खासता उस सेगमेंट में लॉस हुआ तो वो बिजनेस का फिर क्या होगा ताला ही लगना है बंदी हो जाएगा वो राइट right? तो कोई भी समझदार एक बड़ा बिजनेस माइंडेड पर्सन होगा या ग्रुप होगा वो हमेशा काफी सारे सेगमेंट्स को स्टार्ट करता है रीजन के अगर बाय चांस एक सेगमेंट में लॉस हो रहा है किसी भी रीजन से तो बाकी सेगमेंट्स के प्रॉफिट से उस लॉस को वो कवर अप कर सके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों तो आप जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया टाटा ग्रुप हो गया और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं बड़े बड़े के मित्तल ग्रुप हो गया उनका एक बिजनेस नहीं है उनके अलग अलग हैं जैसे कि टाटा की अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल्स में भी हैं मोबाइल सर्विसेज में भी हैं एविएशन में भी हैं ग्रोसरीज में भी हैं राइट एजुकेशन में भी हैं एंटरटेनमेंट है, है, में भी हैं क्लोदिंग में भी हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट केमिकल्स में भी हैं ये तो इसका मतलब यह है कि जैसे इनका ऑटोमोबाइल में फ्लॉप हुआ था नौ साल का इनका लौ, इन्होंने लॉस फेस किया था टाटा ग्रुप ने ऑटोमोबाइल में लेकिन जीरो पे नहीं नहीं आए हुए रीजन के इनके बाकी सारे सेगमेंट ने उस लॉस को कवर किया क्योंकि वो सब प्रॉफिट में चल रहे थे आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट वट आई एम ट्राइंग टू से एग्जैक्टली सेम वे इसी थॉट प्रोसेस को इसी पॉजिटिविटी को आगे लेते हुए हमारी कंपनी ने एक सेगमेंट नहीं ट्वेल्थ सेगमेंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया जहां पे आप इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर वर्क करके डिफरेंट डिफरेंट वे से इनकम यहाँ जनरेट कर सकते हैं इज इंट इट फैसिनेटिंग यहाँ आप एज अ बिजनेस पार्टनर हमें ज्वाइन कर रहे हो एंड यू आर नॉट लिमिटेड टू वन सेगमेंट आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप बस इसी सेगमेंट के थ्रू आए हो तो आप इसी पे ही काम करो नहीं आप एक बार बिजनेस पार्टनर बन गए तो ये सारे सेगमेंट आपके लिए ही है और इन सेगमेंट पे वर्क करके आप जबरदस्त इनकम अपनी यू नो मल्टीपल ऑफ इनकम आप एक ही आई वुड से के प्लेटफॉर्म पे ले सकते हो यही बात है जो हमारे इस कंपनी को बाकी मार्केट में जितनी भी सो एंड सो कंपनीज हैं उससे यूनिक उससे डिफरेंट उससे अलग कहते हैं ना अलग ही आउटस्टैंडिंग बनाती हैं अब मैं क्विकली कुछ कुछ सेगमेंट्स के बारे में ब्रीफ आउट करना चाहूंगी सबसे पहले मैं बात करूंगी एनवी डिजिटल ईडीओ के बारे में ये वो सेगमेंट है जिसके अंडर्गत हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग्स देते हैं ये सारी सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स होती हैं, थ्री मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन होता है बट but... आप एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हो अगर आप एक बार में संतुष्ट नहीं हो एक बार से आपको लगा कि नहीं यार मुझे दोबारा ही सब कुछ समझना चाहिए तो आप रिपीट कर सकते हो बैचेस को इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कोई बाउंडेशन नहीं है और आपको कोई भी फर्दर कोई भी फीस वगैरह कुछ भी नहीं देनी है ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे ये सर्टिफिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है यानी आप कहीं भी इन सर्टिफिकेट लोग को लेके एज अ डिजिटल मार्केटर अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं इसके बाद में बात करूंगी डिजिफाई हमारा एक और सेगमेंट जहाँ पे हम डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं हमारी क्लाइंट है जिन्हें हम जैसे कि एक सर्विसेज का मतलब जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट करना उनके सोशल मीडिया हैंडलिंग करना उनके प्रमोशंस करना एंड ऑल जो भी एक सर्विसेज एक डिजिटल मार्केटिंग टर्स के थ्रू ली जा रही होती हैं किसी भी छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए या बड़े ब्रांड को और आगे मेंटेन करने के लिए ग्रोथ देने के लिए तो ये सर्विसेस हमारे डिजिफाई सेगमेंट के थ्रू दे जा रही होती हैं अब मैं आपको कनेक्ट करके सिखाऊंगी बताऊंगी कि ये दो मैं आपको क्यों बता रही हूँ यहाँ आप एज अ लर्नर ज्वाइन कर रहे हो आप यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हो आ, क्योंकि यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी मिलते हैं और आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो यहाँ डिजिफाई के थ्रू आपको हमारी कंपनी के थ्रू यहाँ आपको करियर ब्रेक्स भी मिलते हैं मे बी आप किसी कंपनी में एज अ यू नो आपको एक अच्छा वो मिल जाए अपॉइंटमेंट मिल जाए मे बी आपको यहाँ पे इन ये जो हमें यू नो प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं वो आपको हमारी कंपनी के थ्रू मिल जाए क्योंकि ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे अब आप खुद सोचिए जब आप सीख रहे होंगे सीखने के साथ साथ प्रॉपर सपोर्ट के साथ साथ, साथ आपको करियर रिस्टार्ट करने के लिए घर बैठे बैठे वाले करियर रिस्टार्ट करने के लिए इतने सारे आपको यहाँ पे Options भी भी दिए जा के, के सिखा और जॉब अपॉर्चुनिटीज करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको साथ में दी जा रही है नेक्स्ट बबीता चेक करते रहे ना प्लीज चैट में जब क्वेश्चन पूछूं तो मुझे आंसर्स बराबर चाहिए जनता सोनी नहीं चाहिए <laughs> वरी जनता बिल्कुल जागरूक है perfect, perfect, perfect. देन कम टू रोड टू बॉलीवुड ये बहुत ही मतलब uh, के बड़ा देता है, क्योंकि अगर आप में से कोई ऐसा कलाकार है जिसकी आवाज अच्छी है सिंगर है तो बस सीधे आपका टिकट कटेगा सीधे बॉलीवुड की तरफ आप इस सेगमेंट के थ्रू एंट्री ले सकते हैं और कंपनी आपके यू नो एल्बम्स बनवाएगी आपके सॉन्ग्स uh, रिकॉर्ड करवाएगी स्टूडियो में एंड देन आपके ट्वेंटी सिक्स डिफरेंट ओटिटीज के ऊपर आपके सॉन्ग्स रिलीज होंगे और रातों रात आप सितारा बन सकते हैं सेलिब्रिटी बन सकते हैं और यहाँ से आप एक बहुत बड़ा नाम के साथ, शोहरत के साथ, साथ बहुत बढ़िया पैसा भी कमा सकते हैं। uh, सेगमेंट है इस सेगमेंट uh, के थ्रू हम ऑल ओवर द इंडिया जितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज वेल नोन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आप किसी का भी नाम लो हम सभी के साथ कोलेबरेटेड हैं। और यहाँ से आप ऑनलाइन अगर आपकी रुकी हुई एजुकेशन है या आगे आपने फर्दर एजुकेशन uh, लेनी है अपनी डिग्रीज या कोर्सेज वगैरह करने तो आप हमारे इस सेगमेंट के थ्रू कर सकते हैं बहुत जबरदस्त सपोर्ट आपको थ्रू आउट आपके करियर में आपके यू नो एजुकेशन पार्ट में आपको मिलती है एक तो आप एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकते हैं और एज अ बिजनेस पार्टनर आप अगर किसी को रेफर करते हैं और आपके थ्रू किसी का एडमिशन होता है तो यहाँ आप जस्ट इमेजिन पचास साठ हजार रुपए भी कमीशन तक के कमाने वाले हैं Just imagine, एक एडिमिशन में आपके थ्रू अगर किसी का होता है तो आप फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तक की इनकम इन अंगल गो बना रहे हो गए जस्ट इमेजिन हाउ मच फैसिनेटिंग इट इज हमारा एक सेगमेंट है हमारा रिटेल चेंज स्टोर जिसके बारे में मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगी आपने बिग बजार एंड रिलायंस फ्रेश वगैरह को इमेजिन कर लो और इमेजिन करके फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ कि वहाँ क्या मिलता है डेली नीड्स एक छत के नीचे सारे ब्रांड्स एम आई राइट यही सब मिलता है वहां पे यस 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 करके दे दीजिए कुछ और मिलता हो मैं मिस कर रही हूँ तो मुझे वो भी चैट में बता दो बबीता चेक करते रहना कि क्या आंसर्स आ आ रहे हैं? Yes, yes, आ रहे हैं यस यस के रिप्लाई हैं बहुत तेजी से ठीक yes, है तो, yes. तो हम सब या हमारी पूरी जनता जो है बिग बाजार रिलायंस फ्रेश में दबा जाती है बढ़िया शॉपिंग करती है अब आगे मैं आपकी कुछ आंखों की आ, कहते ना आपके दिमाग के ताले खोलूंगी नेक्स्ट

नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी हेल्थ का बहुत खास ख्याल रखते हैं सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं है आपके स्किन केयर आपकी डेली नीड केयर जैसे कि के टूथब्रश टूथ ब्रश टूथपेस्ट सैनिटरी नैपकिन हेयर ऑयल शैम्पू फेस आ, फेस वॉशेस वगैरह जो कि हमारी डेली नीड्स से, से लेके गुड नाइट तक के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में है मतलब इस सेगमेंट में जिसके ऊपर आप वर्क करके यहाँ भी इनकम ले सकते हो अगर आप में से कोई सेलिंग में इंटरेस्टेड है और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ बहुत जबरदस्त अपनी इनकम ले सकते हो अभी मैं सेगमेंट को और डिटेल में लेनी चाहूंगी क्योंकि बाकी और भी चीजें कवर करनी है बट यस yes, अगर आपका इंटरेस्ट है तो जिनके थ्रू भी आप यहाँ वेबिनार में आए हो आप और डिटेल में उनसे इसके बारे में समझ सकते हो ये हमारी खुद की यू नो अप्रैल ब्रांड है एम आई एस फैशन जहाँ पे आपको uh, सब जो भी एक्सेसरीज एंड क्लोदिंग वगैरह है उससे रिलेटेड आपको सारे हमारे मिलेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी तजारत पे जिसमे की जो भी मोबाइल सर्विसेज रिलेटेड Uh, होते हैं या ऑनलाइन uh, जो भी एक सर्विसेज uh, वगैरह होती हैं पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह से रिलेटेड सेगमेंट इस, इस में हम ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं तो जस्ट इमेजिन के एक प्लेटफॉर्म पे आपको इतना कुछ मिल रहा है जहां आप अलग अलग तरीके से अपनी इनकम बना सकते हैं ना आई बी टॉकिंग अबाउट आर रिटेल बिजनेस जिसके बारे में मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट स्लाइड में तो जस्ट इमेजिन के 175 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में हमारे आउटलेट्स अच्छी तारीख में खुल चुके हैं 2030 तक आप इंडिया के हर पिन कोड पे हमें देखोगे यानी हमारे रिटेल्स को देखोगे बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन अगेन पूछूंगी गेट रेडी टू आंसर मी कोई भी पैसा कमाता क्यों है भाई किसान है तो किसानी क्यों कर रहा है टीचर है तो पढ़ा क्यों रहा है बिजनेस ओनर है तो क्यों बिजनेस कर रहा है ये अगर कोई जॉब में है तो क्यों जॉब कर रहा है ऐसी क्या जरूरत है उसको कि वो ये सब कुछ कर रहा है अफकोर्स पैसा कमाने के लिए फिर अगला क्वेश्चन मैं ये कहूंगी कि भाई पैसा क्यों कमा रहा है क्या जरूरत है हमें पैसे की अफकोर्स सबसे पहली जरूरत रोटी कपड़ा और मकान एजुकेशन और दो चीजें और ऐड हो गई हैं मोबाइल नेट डेटा डेटा वगैरह जो हम परचेज करते हैं भाई मेरा तो अगर वाईफाई फाई चार घंटे के लिए बंद हो जाए ऐसा लगता है मेरी सांसें रुक गई डेटा अगर बंद हो जाए तो खत्म ऐसी वाली फीलिंग आती है तो इतनी ज्यादा जरूरत हमारी बन चुकी है तो ऑब्वियसली हम पैसा सभी हम लोग पैसा कमाते हैं मार्केट में जाते हैं मार्केट से अपने ग्रोसरी खरीद लेते हैं बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते उनकी एजुकेशन क्वालिटी में अच्छे से अच्छा अपनी औकात से ज्यादा अपनी बच्चों को अच्छा देने की कोशिश करते हैं ऑबियसली कपड़े भी हम थोड़े थोड़े दिनों में खरीदते हैं ओकेजन हो चाहे नहीं हो जरूरत हो नहीं हो कुछ चीजें हम ऐसी करते हैं क्योंकि हमें सोसाइटी में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है राइट तो अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो सबसे पहली जरूरत हमारी है सेकेंडरी जरूरत फिर हॉलीडे ट्रिप्स ये वो और जो लेविश जो लग्जरीज होती है वो सेकेंडरी में आती है मैं अभी सिर्फ प्राइमरी नीड की बात कर रही हूँ राइट तो जब ये जब हम मार्केट में पैसा डालते हैं यानी जब हमने जो पैसा कमाया और मार्केट में हमने वो सारी चीजें हमारी जो प्राइमरी जो हमारी नीड है वो हमने जब परचेज कर ली तो फिर ऑब्वियसली फिर क्या कुछ नहीं बस ठीक है जरूरत पूरी हो गई अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब वो पैसा आप मार्केट में डाल रहे हो अपनी वही बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हो और वो ही पैसा लौट के आपके पास आ जाए एज एज पर एज योर ओन इनकम यानी जब आप ग्रोसरी खरीद रहे हो तो आपकी इनकम बन रही हो जब आप कपड़े खरीद रहे हो तो आपकी इनकम बन रही हो मोबाइल रिचार्ज करा रहे हो तो आपकी इनकम बन रही हो बच्चों की एजुकेशन करा रहे हो तो आपकी इनकम बन रही हो इवन होटल रेस्टोरेंट में जाके बच्चों के फैमिली के साथ खाना पीना कर रहे हो तो आपकी इनकम बन रही हो जस्ट इमेजिन क्या ऐसा कुछ आज तक आपने सोचा है आपको कभी कोई ऐसा ऑफर आया लाइफ में यस और नो का आंसर दीजिए क्या ये माइंड ब्लोइंग आइडिया है एम बी एम बी लिख दीजिए फटाफट से माइंड ब्लोइंग के लिए कि क्या आपको आपका माइंड ब्लो कर रहा है ये सब सुन के कि भाई डेली ये सारी चीजें जो हम आज तक करते ही आ रहे हैं उसी में हम पैसा कमा सकते हैं फटाफट से एम बी एम बी लिख के भेज दीजिए गाइस अगर क्या आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको वाकई में माइंड ब्लोइंग आइडिया लग रहा है तो Yes. Yes, MB, MB, MV भी लिखा जिसको जैसा समझ में आया लिख रहे हैं हा, MB, हा, <laughs> जब मैंने इस बारे में सुना था माय डियर ऑडियंस तो मैं भी मेरा भी माइंड एकदम ब्लोअप ही हो गया था कि क्या यार वाकई में ऐसा कोई बिजनेस है तो जस्ट इमेजिन अब आप हमारे रिटेल शॉप को पहले तो देखिए ये हमारे ये कहाँ पे है ये कश्मीर जम्मू कश्मीर का एक डाला हुआ है मैंने ऐसी वाला uh, वाला ये वाला में है ऐसी अलग अलग लोकेशन के मैंने ऐसी पिक्चर्स ले लिए थे तो जस्ट इमेजिन क्या ये सामान आपके घर में नहीं आता टाटा की चाय अग्नि की चाय चायघ बकरी चाय अभी जो जो मुझे दिख रहा है वो पढ़ रही मैं मैगी दिख रही है मुझे एंड फॉर्च्यून uh, का वो दिख रहा है मस्टर्ड ऑयल दिख रहा है घी दिख रहा है uh, कितनी सारी मतलब ये डेली हमारे घरों में यूज होने वाले सारे आपको आई थिंक प्रोडक्ट दिख रहे होंगे जूसेस वगैरह रखे हैं सारे

डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट्स ऑन आर शॉपिंग मिल रहे होते हैं तो एक ये मैं नहीं कह रही कि दिस इज द ओनली वे ऑफ इनकम ओवर दिस इज वन वे ऑफ इनकम जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और यहाँ जब आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो कंपनी सबसे पहले क्योंकि हम एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो सबसे पहले आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और साथ में आपको एक इनकम क्रिएट करने का इनकम जनरेट करने का एक जरिया एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसके बारे में आगे मैं अब बात करने वाली हूं अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वेबिनार शुरू होने वाला है पूरा अपना अटेंशन के साथ पूरा प्रॉपर सुनिएगा हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को मैं थोड़ा हाईलाइट जरूर करना चाहूंगी एज यू कैन सी के जब मैंने ज्वाइन किया था मैंने भी ये कोर्स लिया सर्टिफिकेट मिला आज की तारीख में ये इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है जिसको दिखा के मैं इंटरनेशनली कहीं भी जा करके अपना करियर स्टार्ट कर सकती हूँ घर बैठे बैठे ऑलरेडी मुझे काफी सारे करियर ऑप्शन मिल चुके हैं ये सारी नॉलेज के साथ एंड ये हमारा करियर का सिलेबस है इसका आप पी ले लीजिएगा जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया आप और इसको डिटेलिंग में देख लीजिएगा जहां आपको एस भी सिखाया जाएगा आपको वेब पेज डेवलपमेंट भी सिखाया जाएगा आपको एडसेंस भी बताया जाएगा आपको मेट एड भी सिखाया जाएगा सोशल मीडिया कैसे हैंडल करते हैं फॉर द बिजनेस एंड ऑल आपको ये सारी चीजें यहाँ इन इस कोर्सेज में बेसिक टू एडवांस आपको सारी चीजें सीखने का मौका मिलने वाला है लाइफ लॉन्ग आपको ट्रेनिंग मिलेंगी यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कोई लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं हमारा जिंदगी भर का नाता है अनलिमिटेड आपको ट्रेनिंग्स मिलने वाली है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो टेक्निकल फील्ड होती है हमेशा थोड़े थोड़े दिन में अपग्रेड होती रहती है नए नए वर्जन आते रहते हैं तो आपको टाइम टू टाइम अपग्रेडेड ट्रेनिंग्स मिलती रहेंगी जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है आप हमारे मेंबर हैं हमारे लिए इतना ही काफी है साथ ही में हम आपको देंगे कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे आपको क्लोजिंग टेक्निक्स वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा यानी अगर आप किसी भी बिजनेस में किसी भी प्रोफाइल में आप किसी जॉब में भी जाएंगे आपको अगर बातचीत करने का तरीका नहीं आता तो आपकी सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाती है बिकॉज जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे अपनी अपनी पावर Uh, को अपने टैलेंट को तो डेफिनेटली सामने वाला बंदा आपको नहीं समझ पाएगा तो ये सारी चीजें भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है एक और क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए फटाफट से क्विकली लिख के बताइए आपने कितने लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की है एक बार दो बार आ कहीं मतलब कभी ना कभी कहीं से मीशो एमेजॉन फ्लिपकार्ट या फिर आजकल इंस्टाग्राम पे भी रील देखते देखते शॉपिंग हो रही है आजकल तो मतलब बहुत ज्यादा ही शॉपिंग चल रही है सभी की तो कितने लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक, एक बार शॉपिंग की है मी, मी 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 यस 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 करके लिख के फटाफट से बता टाइम डेली 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 शॉपिंग शॉपिंग वेरी गुड तो जस्ट अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्योंकि मुझे पता है कि आंसर सबका यस ही आएगा आज की तारीख में कौन ही होगा ऐसा जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता मेरी मेरे यहाँ जो होम मेरी मेड आती है वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करती है और मुझे लाके दिखाती है देखो मैंने ये मंगवाया था मोबाइल जो कहती है मैंने मोबाइल से खरीदा है उनको ऐसा करके बोलती है बट उसको इतना मालूम है कि भाई ऑनलाइन भी ऑर्डर होते हैं ऑनलाइन भी शॉपिंग की जाती है तो ऑब्वियसली अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग तो ऑब्वियसली थोड़ा तो ऑबवियसली डेवलप्ड है उनके आगे तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आज तक जो भी हमने शॉपिंग की है क्या आपको इस तरह का कोई कांग्रेचुलेशंस uh, मिला कि भाई आपने अरे वाह आपने हमारे साथ शॉपिंग की तो अब आप हमारे लाइफ लॉन्ग मेंबर बनते हैं अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं आप अब हमारे साथ पैसा कमा सकते हैं आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं अब हम आपको न्यू स्किल सिखाएंगे चालीस पचास हजार रुपए तक की वो स्किल सिखाने वाले हैं जो की जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है आई एम वेरी मच श्योर आपको ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा बट आज अगर आप हमारे साथ एंट्री लेते हैं वन थाउजेंड वन या एलेवन हंड्रेड नाइन्टी सेवन में हमारी एंट्री स्टार्ट होती है तो अगर आप इस एंट्री पे आते हैं तो आपको ये सब कुछ मिलने वाला है क्या मिलने वाला है आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगा आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिलेंगे जिनकी मार्केट वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड एंड अब है आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो साथ में आपको चौबीस सौ रुपए के शॉपिंग वाउचर्स मिलेंगे जो आप हमारे स्टोर्स पे जाके अपनी वही ग्रोसरी रोजमर्रा के सारे सेम ब्रांड सेम प्रोडक्ट को परचेज करते हुए रिडीम कर सकते हैं मोबाइल रिचार्ज पे अप टू वन थाउजेंड रुपीज तक का कैशबैक मिलेगा टू परसेंट एंड लाइफ लॉन्ग आपको कैशबैक मिलेगा यानी जिंदगी भर जब जब भी आप मोबाइल रिचार्ज कराएंगे आपको कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा एंड आपको मिलेगी डेली अर्न करने का एक अपॉर्चुनिटी जहां आप पांच हजार रुपए एक दिन का इनकम बना सकते हैं जिस पांच हजार रुपए कैसे कमाने वो हम आपको हमारी ट्रेनिंग्स के थ्रू ही सिखाने वाले हैं सो कैसे करना है उसकी टेंशन नहीं लेनी है करना है या नहीं करना बस यही एक्शन आज आपको अपनी लाइफ में लेना है अगर आप थाउजेंड वन लेते हैं में एंट्री लेते हैं तो ये सब कुछ मिलेगा बट अगर आप इलेवन नाइनटी सेवन रुपीज देते हैं तो आपको ये कोर्सेज कैशबैक वाउचर के साथ साथ आपको हमारे जो हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके हर्बल कोई भी एक आप हर्बल प्रोडक्ट uh, ले सकते हैं एज पर योर चॉइस क्योंकि स्लाइड में इतने सारे में प्रोडक्ट डाल नहीं पा रही थी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने भी आपको बुलाया आप उनसे अपडेटेड हमारा पीडीएफ ले सकते हो प्रोडक्ट का और अपनी मर्जी से अपने कोई भी चॉइस का प्रोडक्ट साथ में एंजॉय कर सकते हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप जरूर हमारे प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस किएगा दे आर लाइफ लाइफ सेविंग प्रोडक्ट मेरी खुद की हुई है पिछले दिनों मुझे लिवर इन्फेक्शन हुआ था मैंने लिव एंजाइम का कंजम्पशन किया पांच दिन में मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई जिससे महीनों लगते हैं विद इन फ्यू डेज आई वाज यू नो नॉर्मल मेरे भाई खुद डॉक्टर है ही वाज आल्सो सरप्राइज इतनी जल्दी तुम कैसे हो काफी ज्यादा इन्फेक्शन आया था तो मैं खुद की अपनी टेस्टमनी बता रही हूँ आपको एंड अगर आप इलेवन हंड्रेड रुपीज में एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर आपको लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट चॉइस हो जाती है यानी फिर आप इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हो या तो वेट लॉस या फिर डेली एटीन जो की मल्टीवाइटामिन कैप्सूल्स हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ऑल योर चॉइस अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं इलेवन नाइन्टी सेवन पे जाइए अगर इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं इलेवन हंड्रेड में जाइए आपको बाकी सारे कोर्सेज वगैरह सारे बेनिफिट्स आपको इक्वली मिलने वाले इट्स ओनली चेंज ऑफ द प्रोडक्ट रहेगा दैट्स इट एंड साथ में आपको पांच हजार रुपए डेली के इनकम का पोटेंशियल आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है कैसे इनकम बनती है वही मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ तो जस्ट इमेजिन पांच हजार से पंद्रह हजार रुपए डेली का इनकम आप हमारे साथ एनरोल होके आज के आज ही अपना स्टार्ट कर सकते हैं वॉट वी विल बी नीड ओनली आप अपना पैकेज सेलेक्ट कीजिए अपना नाम ई मेल एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर बस आपने शेयर करना है अपने स्क्रीन शॉट ऑफ पेमेंट के साथ जो भी हमारी कंपनी का यूपीआई बार कोड है उस पर ही आपने पे करना है दैट्स इट एंड कोई आपको अपना इंपॉर्टेंट आपको सेंसिटिव डॉक्यूमेंट किसी के भी साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है तो नथिंग टू वरी अबाउट इट ओके एंड जैसे ही आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाते हैं आपको आईडी पासवर्ड वगैरह सब प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की साइट दी जाती है आपको बेसिक ट्रेनिंग मिली शुरू हो जाती है और आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप हमारे इस इनकम प्लान से सोलह तरह से इनकम बना सकते हो यस यू विल बी एलिजिबल आफ्टर रजिस्ट्रेशन 16 टाइप गेटिंग टू गेट द सिक्सटीन टाइप ऑफ इनकम जहां मैं एक दो इनकम और एक इनकम बहुत ज्यादा अच्छे से बताने वाली हूँ जैसे डिस्काउंट प्रॉफिट जब आप एज अ बिजनेस पार्टनर हमारे रिटेल शॉप पे जाते हैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहे होते हैं डिस्काउंट भी एक तरह से सेविंग है पांच हजार की शॉपिंग करके अगर पांच सौ छह सौ रुपए आपके बच रहे हैं तो वो छह सौ रुपए आपकी इनकम भी हो सकती है और सेविंग भी तो सेविंग भी एक तरह से हमारी इनकम ही होती है जब आप वही शॉपिंग करोगे ग्रोसरीज वगैरह ले रहे हो कपड़े खरीद रहे हो हमारे आउटलेट से जाके या हमारी ऑनलाइन साइट से आप कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद रहे हैं तो वहां मंथली आपकी इनकम आपके उस शॉपिंग पे बन रही होती है जस्ट इमेजिन आज तक मैंने तो कभी जिंदगी में इससे पहले कहीं और शॉपिंग तो बहुत की है लाखों रुपए की से भी ऊपर की करोड़ों की हो गई हो यार जिंदगी भर हो गई खाते पीते बट उससे एक रुपया नहीं कमाया बट अब हम पैसा कमा रहे हैं एंड मजे की बात यह है कि जब मैं इस इस बिजनेस को आगे बढ़ाती हूँ रेफरेंस पे जाती हूँ और अपने साथ और लोगों को ज्वाइन करा रही होती हूँ तो वो लोग जब अपने अपने घरों में अपने अपने सिटीज में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो उनकी शॉपिंग पे भी मेरी इनकम बनती है एंड दैट इज कॉल्ड टीम रिपर्चेज इनकम एंड यहाँ पे यही सिमिट में नहीं आता जब आप कंपनी के आउटलेट से एक, एक सर्टेन अमाउंट यानी थ्री थाउजेंड रुपीज की हर महीने शॉपिंग करते हैं तो आप कंपनी के प्रॉफिट के भी पार्टनरशिप पे आते हैं यानी कंपनी अपने प्रॉफिट से पांच परसेंट का यू नो प्रॉफिट आपको कंपनी देती है जस्ट इमेजिन हाउ मच यू आर गोइंग टू अर्न ये अलग अलग तरीके ऑफ इनकम है बट एक इंस्टेंट इनकम की मैं क्विकली बात करूंगी ये इंस्टेंट इनकम आपको मिलती है आ, जब आप रेफरेंस के ऊपर आते हैं हम जिंदगी भर देखिए रेफरेंस कर रहे हैं हमने आज तक देखा जाए अः तो कहीं होटल में गए अच्छा लगा हमने किसी फ्रेंड को बताया यार वहां जाके खाना खाना एंड ऑल तो हमें उससे कभी इनकम नहीं मिली बट हाँ वो दोस्त जाके जरूर खा के आता है दूसरे को बिजनेस मिला बट आज अगर हमें इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे और अगर हम आ, हमारे नोन लोगों को अननोन लोगों को जब हम बताना शुरू करते हैं कि देर इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस और वो हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो हमारा बनता है एक बहुत बड़ा इनकम तो वो कैसे बनता है रेफरेंस के थ्रू वो मैं आपको अब आप बताने वाली हूँ जैसे कि आप जब रजिस्टर हो जाते हैं तो आप दो लोगों को मिनिमम जब ज्वाइन कराते हैं ए और बी को आप ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ से आपकी इनकम बनना शुरू होती है तो जब आपके थ्रू आपके रेफरेंस से कोई आता है और आपने उसको अपने अंडर ज्वाइन कराया है तो आपको रेफरल इनकम मिलती है टू हंड्रेड रुपीज और जब इस तरह से हमारा जब पेयर कंप्लीट होता है नहीं, एक साइड ए लग गया दूसरी साइड टू लैक सिस्टम होता है हम किसी को भी या तो हम अपने लेफ्ट में लगा सकते हैं या राइट में बस इसी इसी अः यू नो इसी लेग के नीचे 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 लोग लगते चले जाते हैं और जैसे जैसे हमारे पेयर बनने लगते हैं तो हमें इसको बोलते हैं मैचिंग इनकम बाइनरी इनकम तो जैसे जैसे हमारे मैच बनने शुरू होते हैं हमारी इनकम बनती चली जाती है और रिमेंबर दैट थिंग ये जो मैच है आपके अकेले से नहीं आ, आप अकेले ही नहीं लगा रहे होते हो आपके जो ऊपर जो भी आपके अप्लायस हैं सीनियर्स हैं उनके थ्रू भी जो लोग लग रहे हैं वो भी आपके अंडर आ रहे हैं और ये जो आपने जिन लोगों को लगाया था ये भी फर्दर सेम ट्रेनिंग सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं जो सीख रहे हैं वो भी डुप्लीकेट कर रहे हैं जैसे आप डुप्लीकेट कर रहे हो जो भी कुछ सीख रहे हो तो वो जब अपने साथ फर्दर और टीम ग्रो करते हैं तो इनके थ्रू ज्वाइन होने वाले लोगों से भी जो आपका पेयर कंप्लीट होता है लेफ्ट एंड राइट में उस पर भी इनकम मिलता है और इस तरीके से हमारी बनती है पैसे इनकम और डेली का आप आराम से फाइव थाउजेंड रुपीज का कैपिंग से सेट कर लेते हो यानी पांच हजार डेली का आपका इनकम बनना शुरू हो जाता है टेन परसेंट जरूर हमारा डिडक्ट होता है फाइव परसेंट टी क्योंकि हम एक लीगल कंपनी है टीडीएस जो रिफंडेबल है वो कटता है एंड फाइव परसेंट कंपनी चार्जेस कटते हैं जो भी आपकी डेली की इनकम बनती है डेली की इनकम रोज मिलती है आपको अगले दिन आज का काम आपको अगले दिन टेन परसेंट डिडक्ट होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है अगर मिनिमम अमाउंट आपका टू हंड्रेड आपके वॉलेट में आ गया है तो एंड आप एक ही पैन कार्ड पे तीन आईडीज़ बना सकते हो अपने नीचे दो और अपने ही सेम डुप्लीकेट आई डीज बना के आप पांच हजार डेली की जगह फाइव इंटू थ्री पंद्रह हजार रुपए डेली का इनकम सेट कर सकते हो और इस इनकम के ऊपर मेरे सीनियर्स और मैं काम कर रहे हैं मैं आराम से दो ढाई हजार रुपए डेली का बना रही हूँ मेरी सीनियर्स जो सुपर अपलाइन है प्रेरणामेश्वरी मैम आराम से दस से पंद्रह हजार रुपए डेली का इनकम ले रही है यानी कि सालाना फिफ्टी फोर लैक यानी मंथली चार साढ़े चार लाख रुपए घर बैठ के इसी सिस्टम को लेकर के हम लोग इनकम कर रहे हैं और बाकी सेगमेंट्स जिनके बारे में मैंने बात की थी उस पर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है कि आप अलग अलग सेगमेंट पे भी अपनी इनकम बना सकते हो तो आप रेफरेंस के ऊपर भी वर्क कर सकते हो और इन सेगमेंट पे वर्क करके भी अपना इनकम बना सकते हो सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे बड़ा हर्डल मैं कहाँ से इतने सारे लोग लाऊंगी हाउस वाइफ हूँ लिमिटेड सर्कल है मैं तो लोगों को जानती नहीं हूँ तो डोंट वरी भाई हमारे इंडिया में इस वक्त हाईली एजुकेटेड लोग 77 फीमेल्स की ही, अगर मैं बात करूँ 77 सेवन परसेंट हाईली एजुकेटेड फीमेल्स अनएम्प्लॉयड हैं जीरो इनकम पे बैठी हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश में बस उन तक ही तो पहुंचना है और उन तक पहुंचने का तरीका हम आपको बताएंगे हमारे फनल सिस्टम के थ्रू किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करना है फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब आप लोग बिल्कुल यूज करते थे एंटरटेनमेंट के लिए बट आज के बाद आप हमारे फनल सिस्टम लीड मैग्नेट सिस्टम को लर्न करेंगे किस तरीके से आप एक्सेल शीट के ऊपर आपको डेटा आ, निकल के आएगा ये वो लीड्स हैं जो आपकी हमारी तरह इस तरह का कुछ ढूंढ रही हैं उनको हमारे इन वेबिनार्स तक लेके आना और उनसे बात करना किस तरीके से उनसे बात की जा रही है किस तरह से उनको समझाया जाता है ये सारी चीजें गोइंग टू बी आर ट्रेनिंग तो आपको घर से बिना निकले आपको लीड जनरेट करना सिखाया जाएगा उन लोगों तक भी पहुंचना सिखाया जाएगा जो आपको जानते ही नहीं है जैसे मैं आपको पर्सनली आप मुझे पर्सनली जानते नहीं है बट आप मुझे इतनी देर से सुन रहे हैं ज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म सब कुछ आपको ऑटोमेशन मोड में रेडीमेड मिलने वाला है बस एक सिस्टम है जिसे आपने सीख के फॉलो करना है आपको सिर्फ एक मोबाइल स्मार्टफोन की जरूरत है लैपटॉप नहीं भी है तो भी चलेगा इसी फनल सिस्टम से मुझे इतने अमेजिंग अमेजिंग लोग डिफरेंट लोकेशन ऑफ इंडिया से मिले हैं डॉक्टर सनाशीज अ गोलॉजिस्ट राइट नाउश इज इन दुबई जस्ट इमेजिन के गल्फ में बैठ के हमारे साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं स्नेहा शीजा मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम इंदौर इनसे मैं अभी टाइम से मेरे साथ हैं, में, इनके अलावा मैं किसी से भी नहीं मिली हूँ यू नो टीम कोई एच आर एग्जीक्यूटिव है कोई एम सी स्टूडेंट है तो कोई लॉयर है तो कोई हाउस वाइफ है छोटे से बच्चे की माँ है तो कोई स्कूल की प्रिंसिपल है जस्ट इमेजिन के कोई ड्रेस डिजाइनर है तो वट डिड हाई से नो मैटर हु यू आर जरूरी नहीं है कि रिया की तरह आप ड्रेस डिजाइनर हो तभी ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो आप किसी भी प्रोफाइल किसी भी डोमेन ऑफ लाइफ में हो गए ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली आपकी लाइफ में फिट होने वाला है क्योंकि हमारी ये ट्रेनिंग्स आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाली है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कितने हजारों डेली बेसिस में हमारे ऐसे लाइव ट्रेनिंग्स ऑन जूम होते हैं जहां पे हम आपको ये पूरी चीजें पूरा बिजनेस सिखाने वाले हैं बिल्कुल हाथ पकड़ के मैंने ऐसे ना कि हैंड होल्ड सपोर्ट मिलने वाला है तो डेफिनेटली आपको हैंड होल्ड सपोर्ट इस तरह से मिलने वाला है टू पर्सनली व्हाट्सएप पे भी आपको गाइडेंस मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ पैसा ही नहीं नाम और शोहरत भी मिलने वाली है जस्ट लुक एट मी अ सिंपल सी हाउस वाइफ घर में बिल्कुल लंजान सी लाइफ जी रही थी बट आज मुझे इतने बड़े स्टेज के ऊपर लाके इस प्रो इस अपॉर्चुनिटी ने खड़ा कर दिया जहां मैंने एक फाइव स्टार होटल दिल्ली में लास्ट टू लास्ट मंथ रिकॉग्निशन लिया दिस इज द इंटरनेशनल आई वुड से पर्सनालिटी इन बिटवीन आमी एन अहमद सर आप देख सकते हो राजेश अग्रवाल सर आप यूट्यूब पे इनको जरूर देखिएगा ये खुद अपने आप में एक ब्रांड uh, बनाने वाला uh, कहते हैं ना एक ट्रेनिंग देते हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जैसे एल हो गया या इंडियन रेलवे हो गया या एक्सिस बैंक हो गया उनके एम्प्लॉयज को ये ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे वो बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से वो एक बड़े एंट्रप्रेनर के तौर पे वर्क कर सकते हैं इनसे हमें डायरेक्ट ट्रेनिंग यहाँ पे मिली जस्ट इमेजिन कंपनी किस लेवल पे आपको हेल्प कर रही है जिनके सेशंस के लाखों रुपए एक एक घंटे की ट्रेनिंग के ये पांच लाख रुपए चार्ज करते हैं और कंपनी ने पूरे दिन की ट्रेनिंग इनसे हमें दिलवाई और इनके हाथ से हमें से हमारे अचीवमेंट के मिले यू कैन बी आल्सो वन ऑफ यू नो विनिंग टीम एंड रही बात इनकम की तो मैंने अगर बोला कि हम इतना कमाते हैं तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमारे बैंक स्टेटमेंट्स हैं जिस तरह से हमें डेली इनकम मिल रही होती है कोई चार हजार रुपये कमा रहा है कोई पांच हजार सॉरी मतलब पांच हजार का टेन परसेंट डिडेक्ट होने के बाद आपको साढ़े चार हजार मिल रहा होता है अठारह सौ भी है यहाँ पे आप मेरी इनकम भी ऑन द दे स्क्रीन देख सकते हो एक दिन में चार हजार पचास रुपए की मेरी इनकम ये दो आईडीज़ पे मेरी इनकम बनी इसलिए दो स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे इस भी हम आपको बोल रहे हैं फुल ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं आपको और भी हमारे डेली इनकम प्रूफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं ज्वाइन कीजिए उसे वहां जाके एक्सप्लोर बिल्कुल आप स्क्रॉल कीजिएगा आपको बहुत सारे और हमारे कम्युनिटी के अचीवर्स के अचीवमेंट इनकम वगैरह आप देख सकते हैं यू आर जस्ट वन स्टेप अवे टेक एक्शन आई जस्ट सेड कि आपने एक एक्शन इस वेबिनार में आके लिया दूसरा एक्शन इस वेबिनार तक लास्ट तक बने रहने के लिए लिया नाउ दिस इज द फाइनल एक्शन टू

तो अगर आज आप हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं तो ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है फटाफट से चैट बॉक्स में आई वॉन्ट टू ज्वाइन लिख दीजिए बबीता प्लीज चेक के कितने एक्शन टेकर्स हैं जो फटाफट से अगर टॉप ट्वेंटी आ गए तो ट्वेंटी के बाद आप एंड कर देना फिर उसके बाद हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड सीट होती हैं और वन टू वन मेंटरशिप देने के लिए हमारे पास भी इतना टाइम होना चाहिए तो ऑल वी कैन डू इज के हम हाँ अभी ट्वेंटी एक्शन टेकर्स को ले सकते हैं तो जो क्विकली आई वॉन्ट टू ज्वाइन लिख रहा है उनको क्रॉस चेक कर लीजिए और जिनके थ्रू आप व्हाट्सएप पे आए हैं यानी इस वेबिनार में आए हैं आप उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली फटाफट से लिख दीजिए यू नो कर दीजिए कि आई टू उनको एक मैसेज जरूर डाल दीजिएगा ताकि वो भी आपको पर्सनली गाइड कर सकें तो जितने भी लोग हैं जो आ, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट से आई वॉन्ट टू ज्वाइन का टाइप कर दीजिए मैसेज इन द चैट बॉक्स सो देट हम आपको प्रॉपर आगे का प्रोसीजर करवा सके और अगर कोई डाउट है तो पर्सनली आप वन टू वन कॉल ले लीजिएगा आफ्टर द वेबिनार कॉल पे कनेक्ट हो जाइएगा हमारे एसोसिएट के साथ और अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा एंड देन टेक अ डिसीजन I always say के doubt में आना is a natural thing और इसमें यह बात समझ में आती है कि ऊपर वाले ने आपको इतनी बुद्धि दी है कि आप analyze कर पा रहे हो doubt होना is not a bad thing but doubt में बने रहना ऐसा कि disaster हो जाता है ये तो डाउट आ गया वेरी गुड उसको क्लियर कीजिए बात कीजिए ठीक है उसके बाद अपना एक्शन लीजिए बट डाउट में आकर के बिना उस डाउट को क्लियर किए कोई भी रैंडमली डिसीजन ले लेना इज नॉट एट ऑल अ राइट डिसीजन अगेन सर्च सर्चिंग मोड में बने रहना इज नॉट द राइट थिंग इतने टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है उस टाइम को वेस्ट ना करें क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है टाइम जो गुजर गया करोड़ों रुपए लगा दोगे अरबों रुपए लगा दोगे बीता हुआ वक्त वापस कभी भी कोई भी कोई लौटा के नहीं देगा एंड तो के के सही वेस्ट सही बढ़ गई होती तो इन लोगों की तरह मैं भी किसी ना किसी एक अच्छे यू नो डोमेन पे होती अच्छा फाइनेंशियल डोमेन अपना बना चुकी होती अपनी पहचान बना चुकी होती अपनी कम्युनिटी बना चुकी होती एक सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर चुकी होती तो ये सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं आपको वेलकम कर रही हैं सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे बबिता प्लीज हेल्प मी आउट चैट चेक कर लीजिए एक बार प्लीज एंड बहुत सारे लोगों ने आई वॉन्ट टू ज्वाइन लिखा है एंड uh, हम ये अपॉर्चुनिटी ओनली फर्स्ट ट्वेंटी एक्शन टेकर को ही देंगे इसलिए जो यहाँ पर आई वांट टू ज्वाइन लिख रहे हैं Kindly उनको भी लिखिए व्हाट्सएप पर जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है सो so देट आप फर्स्ट ट्वेंटी एक्शन टेकर में आ सके और जिन्होंने अभी सोच ही रहे बट में में... में मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप अपने बारे में सबको बताइए कि किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी ने आपको हेल्प की uh, क्योंकि आप भी हम uh, इन्ही लोगों की तरह एक टाइम पे इस वेबिनार को अटेंड करके आई थी

देखा कि किस तरह से हम यहां पर ऑनलाइन वर्क करके अपना डेली इनकम जनरेट कर रहे हैं लोग और इसके अलावा मैं अपने आप को डिजिटली एजुकेट करना चाहती थी अपग्रेड करना चाहती थी और ये सब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर बहुत अच्छी अर, अर्निंग अपॉर्चुनिटी है लर्निंग प्लस अर्निंग प्लेटफॉर्म है तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगी कि आप भी इसे ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल भी देर ना कीजिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बबिता फॉरदर शेयरिंग यनीस क्योंकि वही है ना कि मैं कह रही हूँ तो साथ थे तो आई थॉट रियली सो मच्छनी जर्नी शेयर की एंड थैंक यू ऑल फॉर बींग विद एंड आपको मैं सभी को हाईली अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मुझे एंड तक सुना पूरे पेशेंस के साथ सुनने के लिए और मेरे साथ बराबर इंटरेक्टिव बने रहने के लिए ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन होता है कि हमारी जनता मुझे सुन रही है और मुझे रिस्पांस भी दे रही है बट अब आपके एक्शन लेने का टाइम है टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है क्विकली अपनी ग्रैप कीजिए अपनी सीट को और अब लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की जर्नी स्टार्ट कीजिए थैंक यू सो वेरी मच बबिता फॉर बींग देयर विद मी यू कैन एंड द सेशन यूर होस्ट बिकॉज ओके डियर थैंक यू सो मच टू यू टू बाय एंड ए नाइस टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच